इधर लड़खड़ा रहे श्रीमंत। खड़ा रहे पर देखो ये तलवार अभी भी स्थिर है। क्या मरता मर रहा हूं बगा। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे फन फैलाकर बैठा है मराठाओं को काटने। खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ आधे। आप और हम जानते हैं निजाम कहां जानता है। निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। Thank you.
हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। Choppers, better cut those wrists. Cold blood in my fist, we fire starters.